नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ नीचे लिखे रेड कलर में सब्सक्राइब को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले पहुँच जाए। मैं पढ़ाई से संबंधित और नॉलेज से संबंधित वीडियो ही बनाता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं आज का नॉलेज क्या है। आज का नॉलेज हम बात करेंगे मित्रों हिंदी के 5 प्रश्न के, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उसकी व्याख्या के साथ में। और इसके बाद बात करेंगे जीके के बारे में। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को मित्रों ढूंढ के लाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, तिमिर का विलोम क्या होता है मित्रों। क्या मित्रों, पहला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है जी हाँ मित्रों, तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आलोक। जय मित्रों, तिमिर का विलोम शब्द आलोक हो जाएगा। अब आप बात करेंगे कि तिमिर का मतलब होता है क्या, अंधकार। तो आप सोचेंगे कि अंधकार होता है तो उसका विलोम प्रकाश भी हो सकता है, जी नहीं। इसकी व्याख्या आपको दिखाते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, आलोक। जी हाँ मित्रों, व्याख्या में आप देख सकते हैं, विलोम बनाते समय शब्द के अर्थ के अनुसार ही शब्द का चयन करते हैं। जैसे तिमिर का अर्थ अंधकार होता है जबकि आलोक का अर्थ प्रकाश होता है, इसलिए तिमिर का विलोम आलोक होगा, अंधकार का विलोम उजाला होता है, उष्ण का विलोम शीत होगा, गर्मी नहीं मित्रों। जी हाँ मित्रों, क्या है, उष्ण का विलोम शीत होगा, गर्मी नहीं। गर्मी का विलोम क्या होता है मित्रों, सर्दी होगा। क्या, तो व्याख्या में आप देख सकते हैं, गर्मी का विलोम सर्दी होता है, उष्ण का विलोम शीत होगा और अंधेरे का विलोम उजाला होता है। इसी प्रकार तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। या मित्रों, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं मित्रों, विलोम शब्द। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द क्यों कहते हैं, विलोम बनाते समय शब्द के अर्थ के अनुसार ही शब्द का चयन करते हैं। जैसे तिमिर का अर्थ अंधकार होता है जबकि आलोक का अर्थ प्रकाश होता है, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में था। तो विलोम शब्द, उसका विलोम शब्द कहेंगे उसको, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को। तो अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अनुज का सही विलोम होगा। जी हाँ मित्रों, अनुज का सही विलोम क्या होगा मित्रों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अग्रज। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्रज। तो कैसे सही हो जाएगा, अनु उपसर्ग है। क्या मित्रों, अनु जो है उपसर्ग है जो पीछे या बाद में के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे अनुधन जा। क्या मित्रों, अनुधन जा मिलकर क्या बन गया, अनुज। यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा, अनुधन जा मिलकर क्या बना है मित्रों, अनुज। यहाँ पर आपको कई प्रश्नों के उत्तर देखिए मिल जाएंगे, केवल आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। जैसे अनुधन जा, या जैसे यहाँ पर आ गया अनुज में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। तो मित्रों इसी प्रकार पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो जैसे देखते हैं अनुज, अनुज में कैसे लिखेंगे अनुज को, अनुधन जा मिलकर क्या बना है, अनुज, अर्थात बाद में जन्म लेने वाला। अनुज का अर्थ क्या होता है मित्रों, अनुज का अर्थ होता है बाद में जन्म लेने वाला। इसी प्रकार अग्र का अर्थ पहले होता है, ये मित्रों अग्र मतलब पहले, अतः अग्रधन जा मिलकर क्या बन जाएगा मित्रों, अग्रधन जा मिलकर बन जाएगा अग्रज, अर्थात पहले जन्म लेने वाला। अतः अनुज का विलोम क्या होगा मित्रों, अग्रज होगा। तो बात ध्यान से समझ लीजिए, अनुज का विलोम क्या होगा, अग्रज। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, अल्पज्ञ का विलोम क्रम क्या है। जी हाँ मित्रों, अल्पज्ञ का विलोम का क्रम क्या है, तो इसका सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। कैसे सर्वज्ञ सही होगा, डिटेल देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला, जबकि अल्पज्ञ का अर्थ है कम ज्ञान रखने वाला। जी हाँ मित्रों,
सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान रखने वाला। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। इसी प्रकार अभिज्ञ का जानकार और अनभिज्ञ का अनजान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग में गलत है? जी हाँ मित्रों, क्या बताना है कि ये जो इनमें दो दो शब्द युग में लिखा है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग में जो है विलोम का, यानी कि एक शब्द है उसका फिर विलोम लिखा है, तो कौन सा बताना है कि इसमें गलत है, कौन सा एक ऑप्शन गलत है, उसका विलोम नहीं लिखा गया है। तो सब युग में गलत पहला देख सकते हैं आप, ऑप्शन में कौन सा इसमें सही हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है गलत लिखा गया है। उत्कर्ष का विलोम विकर्ष नहीं होता मित्रों, ये गलत है। तो उत्कर्ष का विलोम विकर्ष नहीं होता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार सही है। तो इसमें उत्तर देख लेते हैं, उत्कर्ष का विलोम क्या मित्रों? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम मित्रों अपकर्ष होता है, तो ये विकर्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों जीके के बारे में। मुझे मालूम है कि यही उम्मीद है कि आपको वीडियो हिंदी का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो का अच्छा लगा। तो चलिए अब बात करते हैं जीके के बारे में। तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काजीरंगा अभ्यारण्य में जो है, काजीरंगा अभ्यारण्य में जो है भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? जी हाँ मित्रों, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा मित्रों? ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भीमबेटका से जो है सर्वाधिक जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका क्या है? एक शिलाश्रय है जिससे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जी हाँ मित्रों, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो कि इनके बीच जो है कौन सी ऋतु रहती है मित्रों? ऑप्शन बी सही जगह, वर्षा ऋतु रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? यह मित्रों, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही जगह, 30 डिग्री का, यानी कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ मित्रों, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा मित्रों? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जी हाँ मित्रों, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ मित्रों, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों से लाए गए जल द्वारा जो है मिट्टी बनी हुई है, तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है और उपजाऊ मिट्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? जी हाँ मित्रों, इसमें बात पूछ रहा है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब जो है नहर द्वारा सिंचाई में सबसे आगे है, यानी कि सबसे अग्रणी में कौन है? पंजाब। अगला प्रश्न मित्रों, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है मित्रों? किस मिट्टी को? काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि रेगुड़। क्या मित्रों? काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ नाम से जाना जाता है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है मित्रों? तो ऑप्शन सही जगह बी, कर्नाटक। क्या मित्रों? कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है।
अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? जी हाँ मित्रों, किसकी बात हो रही है? जूट की। तो भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक कौन है मित्रों? पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो बस इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं पढ़ाई से संबंधित और किसी वैकेंसी से संबंधित जो प्रश्न है उससे संबंधित प्रश्न हमेशा डालता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मेरे चैनल में प्रवेश करके आप तमाम प्रकार की अन्य जानकारी की वीडियो देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।